अरे वो अपने हवलदार साहब है ना तिहाड़ जेल में, उनका रिश्ता लेकर आया हूँ। हवलदार का रिश्ता? अरे जीजी कैसी बातें कर रही हो, आज हवलदार है कल इंस्पेक्टर होगा। यकीन नहीं करोगे जीजी, जब जब मैं जेल से भागा हूँ उस हवलदार ने हमें पकड़ा है। कल को अगर समी बन गया तो हमारा भी ख्याल रखेगा मम्मिया ससुर का। अपने भैया क्या बात कर रही हो? अच्छा तो मतलब अपनी आजादी के लिए तू ये रिश्ता करवाना चाह रहा है? एक बात आ करूं, मैं से झाड़ू से मारूं या डंडे से पीटूं, बोल। मैं तुम्हारे फूट के। क्या हो रहा है ये? आप लोग घूम फिर के मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं? शादी की उम्र हो रखी है तेरी है? और अच्छे लोग हैं वो, तार की दुकान है, अच्छी कोठी है बड़ी सी, तुझे और क्या दिक्कत है बता? दिक्कत? जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। ले हो लिया रिश्ता भैया। अरे एक बात बताओ इलायची, तू बेकार की जिद कर रही है। इतना अच्छा और इतना खानदानी जो है रिश्ता, बहुत ही मुश्किल से आता है। बकवास मत कर, मैं कोई लड़का वड़का नहीं देखने वाली हूँ। लड़के को ना देखेगी तो क्या जिंदगी भर कुंवारी रहेगी तू? बात कर रही है बेकार की। मैं कोई लड़का नहीं देखूंगी, और अगर उस लड़के ने मुझे देखा ना तो मैं उसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मेरे तो भाग के फूट गए। भैया जी तुसी ना मैनू वधिया जा सिल्क वाला लहंगा दिखाओ। जरूर जरूर, आइए बहन जी। कैसी हैं आप? वधिया। बड़े दिनों बाद आना हुआ। हाँ जी। एक काम कीजिए, मुझे भी लगे हाथ शादी का लहंगा दिखा ही दीजिए। इलायची जी आप वो ये धंधे का समय, हम आपसे बाद में बात करते हैं। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? अरे पहले मैं इतने आई हूं। भैया जी तुसी मेरे लहंगा दिखाओ। जी जी बहन जी बस एक मिनट। हाँ एक मिनट इलायची जी, हम आपसे बाद में बात करते हैं, पक्का। हाँ बाद में क्यों, मतलब एक काम कीजिए आप, आराम से बाद में सिर्फ अपने आप से खुद बैठकर बात कीजिएगा, या फिर पिंटू भाभी से गप्पे आएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ होंगी नहीं ना गप्पे मारने के लिए। मुझे तो कोई मेरे पापा से बात करके हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ले जाएगा। इलायची जी आप ये क्या बोल रही हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मेनू ए नहीं समझ आ रहा, तुसी मेनू लहंगा क्यों नहीं दिखा रहे हो? ये लीजिए देखिए आप। इलायची जी क्या हुआ है, हमें बताइए तो सही। हाय रब्बा, तुसी मेनू लहंगे दे बजाय चादर का कोना क्यों फिड़वा रहे हो? अरे तो आप चादर का कोना देख तो लीजिए एक बारी, क्या पता आपको पसंद आए। बताइए इलायची जी क्या हुआ है? होना क्या है? पापा मेरे लिए रिश्ता देख कर आए हैं और वो लोग कल आएंगे मुझे देखने के लिए। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अब इसमें हमने क्या किया? तुसी ना मेनू लहंगा नहीं दिखा रहे हो। अरे एक मिनट बहन जी रुक जाइए ना, यहाँ पर हमारी वाली को कोई और लहंगा पहना के अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाने वाला है, आप समझिए। अब बोलिए इलायची जी क्या हुआ है? बोलना नहीं है, ये वक्त कुछ कर दिखाने का ही। जीजा जी क्या? हाय रब्बा, जीजा जी के नाल। अब ये लीजिए आप इसे देखिए और प्लीज चुप रहिए प्लीज। इलायची जी आप क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं, हमने आपको खुलेआम सबके सामने प्रपोज नहीं किया, किया ना? ए लहंगा नहीं हैगा, ए मिनी स्कर्ट हैगी, बच्चे आदि वास्ते है। तो आप बच्चों को पहना दीजिए प्लीज। प्रपोज करने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, लड़की के पापा से भी जाके बात करनी होती है, उन्हें सपना थोड़ी ना आएगा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। इलायची जी आप समझ ही नहीं रही हैं, ऐसे कैसे हम सेठ जी से जाके आपका रिश्ता मांग ले, आप समझ रही हैं कितनी बड़ी बात है? हमें कुछ बन तो जाने दीजिए। बनेगा तो तू तब ना जब तू लहंगा बेचेगा मोया। देखा आपने, चुप रहिए आप। आपने जिंदगी भर यही बैठ के ना लहंगे बेचते रहिएगा और वेट करते रहिएगा कि कब आप कुछ बनेंगे। इलायची संजू, और यहाँ पे कोई लड़का मुझे शादी का चूड़ा बना के अपने साथ ले जाएगा। इलायची जी हमारी बात तो सुनिए, आप ऐसे जा क्यों रही हैं? हम करेंगे ना सेठ जी से जाके बात, अब चाहे वो हमें गोली से क्यों ना उड़ा दें। पापा के पास कोई बंदूक बंदूक नहीं है। चाहे वो हमारी गर्दन तलवार से क्यों ना काट दें, हम उनसे जरूर बात करेंगे। अरे पापा के पास तलवार भी नहीं है जीजा जी। इलायची जी हमारे कहने का मतलब ये है कि चाहे वो हमें घर से निकाल दे, नौकरी से निकाल दे, हम आपका हाथ जरूर मांगेंगे। जीजा जी टाइम बहुत कम है, जो करना जल्दी कीजिए वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं हम दोनों की। ओके जीजा जी। कितनी हवा भरे इसमें,
क्या करें, हवा भरेंगे खुजलाए पहले। कब तक साला, कब तक स्टोव पे खाना बनाएंगे समझ नहीं आ रहा। अरे यार पहले खुजला ही ले साला, पता नहीं कहाँ इसमें कौन से कीले घुसे हुए, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे है इसमें। पिंटू जी। अरे सुनीता जी, आप हैं, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया। सुनीता जी, आते समय दरवाजे पे थोड़ा खटखट कर लेती। अगर मैं वो थोड़ा सा खटखट कर देती ना, तो आपका ये नर्वस सा चेहरा नहीं देख पाती, और जो आपकी प्यारी सी जुल्फे आपकी नाक पे गिरी थी ना, वो भी नहीं देख पाती। सुनीता जी, आप ना इलायची जी के साथ रह रहे के उन्हीं की तरह शरारती हो गई हो। पिंटू जी, शरारती वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अच्छा पिंटू जी, ईलू की बात से याद आया, जीजा जी ने आपको बताया क्या? अरे वो तो बहुत बकवास करता है, आप बताओ आप कौन सी बात पूछ रही हो। अरे मैं ना वो फिल्म हॉल वाली बात कर रही हूँ। अरे जब जीजा जी ने ईलू को, वो ही। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। भाई उसने जैसे ही बताया ना सुनीता जी, मैं तो एकदम भौचक्का रह गया। हाँ, इसका मतलब जीजा जी ने आपको सब कुछ बता दिया, मतलब ना ये लड़की तो ना कोई सीक्रेट रख ही नहीं सकते बाय गॉड। अरे इलायची जी ने भी तो आपको सब कुछ बता दिया, फिर आप लड़कों को ही क्यों कोस रही हो। अच्छा छोड़ो, अब जब पता चली गया है तो आपको ये सुन के कुछ कुछ नहीं हुआ? कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ। सच बता रहे, मुझे इतनी शर्म आई कि बताओ मैं ऐसे घटिया इंसान का दोस्त हूँ। घटिया? इसमें घटिया क्या है? अरे इलायची जी के पॉपकॉर्न चुरा के खाना घटियापंती नहीं तो और क्या है। पॉपकॉर्न? इतनी देर से आप क्या बातें करने जा रहे हो यार, मैं तो कुछ और ही बोल रही थी, आप तो ना मुझे सच ही समझ ही नहीं सकते जो मैं आपसे बात नहीं करती। अरे सुनीता जी सुनिए तो, मैं ना उसी बात पे आ रहा था। तो फिर हमारा नंबर कब आएगा? नंबर आप ना, आप पहले अपनी आंखें बंद करो, मुझे ना बड़ी शर्म आती है। अब ना बैठ के आप अपनी दाल अकेले ही गलाओ। अरे सुनीता जी, अरे अरे यार ये सीटी भी अभी लगने को रही। अरे बढ़िया बात है, वाह। दरोगा जी और सब्जी लीजिए ना। नहीं नहीं है, मैं है, थैंक यू। अरे दरोगा जी। हाँ जी। फिर मेरा कुछ काम किया या आज भी जो है अपनी सलाइयां घुमाते रहे? अरे शेर जी, इतने पिद्दे से काम के लिए ना पिंकी जी के बाएं हाथ के ये चीची उंगली काफी है, पिंकी जी बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए लड़का कैसा है, मतलब कुछ जानकारी वानकारी मिली उसके बारे में? हाँ हाँ शेर जी, एक बात बताए पिंकी जी, इलायची की किस्मत पे ना सोने के धागे से तुरपाई की गई है, लड़का एकदम हीरा है, हीरा। अरे पिंकी जी सोच रहे कहाँ से हाथ लग गया आपके ऐसा लड़का, आपके तो मतलब चांदी हो गई, समझ लीजिए लॉटरी लगी। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, तू क्या देख रही है, नाचा कर। सिर जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बैठी शक्ल बनाकर बोलेगा तो कुछ जरूरी जरूरी बात होगी। हाँ बोल। सिर जी आप तो जानते हैं कि इलायची जी जवान हो चुके हैं। अरे वो तो मुझे तभी पता लग गया था जब इलायची मेरे यहाँ पे ऐसे बराबर पर खड़ी होकर के मेरे मेरी लंबाई की हो गई थी। हाँ। तभी जवान हो गई थी वो तो। और सिर जी आप ये भी जानते हैं कि हम भी जवान ही हैं। तुम बोलना क्या चाह रहे हो पंचम? सिर जी दो जवान लोग एक लकड़ी और माचिस की तरह होते हैं, और जब वो साथ होते हैं तो क्या होता है? तो होना क्या है, मतलब जो माचिस है वो ऐसे लकड़ी को जला के चूल्हा बना देगी और उस पर खिचड़ी पकेगी। सेठ जी हमारी भी मोहब्बत की खिचड़ी पक गई, हम इलायची जी से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं।
भाई, साला जान लेगा क्या मेरी? बच गए ना अभी, दिल का दौरा पड़ जाता। अबे अबे बहुत बुरा सपना देखा यार मैंने। क्यों, क्या देख लिया? सेठ जी ने नौकरी से निकाल दिया या फिर घर से? सपने में ना सेठ जी हमें गोलियां गोलियों से मार रहे थे यार, 5-6 गोलियां ऐसे ढाए ढाए डाल दी। अच्छा अच्छा मैं समझ गया, तूने ना सपने में इलायची जी का हाथ मांग लिया होगा। तुझे कैसे पता? अबे सीधी सी बात है भाई, अगर मेरा नौकर मेरी बेटी का हाथ मांगेगा मैं तो साले को तोप से उड़ा दूंगा। साले घटिया आदमी, तू मेरा दोस्त है, साले तुझे घर में नहीं बिल में होना चाहिए, सपोले कहीं के। अबे कौन सा तेरी उम्र 50 के पार हो रखी है, कौन सा तू बूढ़ा हो रखा है जो वहां जाके इलायची जी का हाथ मांगने लगा? मांगना ही था तो कुछ और ढंग की चीज मांग लेता। जैसे? जैसे कि अब देख इतनी ठंड हो रही है तो हीटर मांग लेता, तापते आराम से ठंड में है। अबे इलायची जी की शादी की बात चल रही है घर में, अगर मैंने हाथ नहीं मांगा ना तो कोई और उन्हें पूरा का पूरा उठा के ले जाएगा। अरे तो मांगना, खुल के मांग, फिर हिम्मत है तो जा सेठ जी के सामने साक्षात खड़े होके आमने सामने इलायची जी का हाथ मांग। अबे यार तू वही तो नहीं समझ रहा है, ये जो बची कुची हिम्मत थी ना वो भी ये सपना देखने के बाद उड़ गई है कपूर की तरह फुस। यार मुझसे नहीं होगा यार ये। अरे जीजा जी छत पर है। पिंटू भाभी। अरे यार मैं जानती हूँ पिंटू, आ जाओ। अरे हम तो भूल गए, आदत सी पड़ गई थी ना। जीजा जी आप बताइए ना, पापा से बात की आपने? क्या कहा उन्होंने? वो मान गए ना? मतलब ज्यादा गुस्सा तो नहीं हुए ना आप पर? बोलू जी, वो इलायची जी हमने ना अभी सपना देखा जिसमें क्या है, सेठ जी को हम जाके बोलते हैं कि हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं वगैरह वगैरह, उन्होंने हम पे गोलियां चला दी, गोलियां ढाए ढाए। क्या आप एक छोटे से सपने से डर गए? जी इलायची जी, मतलब इलायची जी सपने को हकीकत बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप तो जानती हैं कि सेठ जी कितने गुस्से वाले आदमी हैं और ऊपर से आप समझती हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं। तो ना मेरी शादी के कार्ड छपवाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जो लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं ना वो रिश्ता तय करके ही जाएंगे। अब इलायची जी आप समझ ही नहीं रही हैं, आप हमसे नाराज क्यों हो रही हैं? देखिए मुद्दे की बात यह है कि हमें सेठ जी से डर लगता है। भाई तू एक काम कर, तू ना एक पत्र लिख और कबूतर की चोंच में बांध दे, अब वो कबूतर जो है ना तेरा पत्र सेठ जी के पास पहुंचा देगा, है ना? चिट्ठी में अपने दिल का हाल लिख दीजिए, बता दीजिए पापा को क्या मुझसे कितना प्यार करते हैं। और क्या, बिल्कुल सही बात है। अब भाई अगर सेठ जी को गुस्सा भी आया ना तो वो पत्र जो है मसल के फेंक देंगे। अबे कम से कम मसलने के लिए तू तो सामने ना होगा, है ना? तो हम ना चिट्ठी लिखेंगे कल, ओके? सुबह सुबह। बिल्कुल धन्यवाद इलायची जी। सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो जी बहुत अच्छा रहा कि अब अपनी इलायची एक बढ़िया से घर में चली जाएगी ब्याह की। सही कह रहे यार, मतलब शाम को ढूंढ, शाम को एक मिनट रुक तो जा यार, तू बोल ले। अच्छा ठीक है, हां ये वाली बना दूं? हां जी बना। बोल 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 दिया। शाम को ही आ रहे हैं लड़के वाले देखने इलायची को। तूने एक बार बताऊं, मेरे दिल का जो है बोझ हल्का कर दिया एकदम। अरे इतना अच्छा रिश्ता ढूंढने जाओ तो चश्मा लग जाता है। सेठ जी एक बात बताऊं? अरे मैं ऐसे ही तुम्हें थोड़ी ना बड़ा भाई मानता हूं, दिल से मानता हूं, समझ रहे? और वैसे भी ये शादी की बात थोड़ी ना है, ऐसी करो आगे चल के मेरे लिए भी लड़की तुम ही ढूंढोगे। अरे क्यों चिंता कर रहा है तू? देख एक बार इलायची की विदा हो जाए तो बस उसके बाद बोलने तो दे फिर, या तो बना ले या बोल लूं। बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ तू चिंता मत कर, एक बार इलायची की विदा हो जाए ना तो बस उसके बाद तेरा ही नंबर है। अरे मैं क्या मर गऊ सेठ जी? अबे तेरे मरने की गारंटी क्या है, कब तक जिंदा रहेगा? तो ये बता दो और इलायची कैसी है? भाई विदा होने वाली है, बात कर रहा है बेकार की, वहां से बैठा होगा। हाँ भाई किसकी विदाई की बात चल रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, दरोगा जी वो छोटे ने बहुत एकदम कमाल का रिश्ता जो है बताया है इलायची के लिए, तो बस अगर सब बढ़िया रहा तो इलायची विदा होगी अब। अच्छा छोड़े, तूने बताया नहीं कि तू ये बाल काटने के साथ साथ रिश्ते की भी काट छाट करता है? लगी मिर्ची। स-
साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि राजमा में ना मिर्ची थोड़ी तेज डल गई थी, खाने में मजा ना आया। अच्छा मंगीलाल, तो पहले बोलना चाहिए था ना। कोई नहीं, पिंकी जी जाएंगे ना तो उसमें दही डाल के मिर्ची एकदम ठीक कर देंगे जी। ना ना, अरे अरे दरोगा जी, मैं क्या कह रहा था कि सेठी जो है ना अपने बड़े भाई जैसे हैं, तो इनको ना नहीं बोल सकता ना मैं, तो बात वही है। हाँ छोटे, तो यहाँ पिंकी जी भी तो तेरी भाभी जैसे हो रखे हैं। करेक्ट। मेरा मतलब है भाई। हाँ वही बोल रहा था, मुंह से निकल गया। मतलब पिंकी जी भी तो तेरे भाई जैसे हो रखे हैं, और तुझे तो अच्छे से पता है पिंकी जी ने कहा है तुझे कि पिंकी जी की साली भी जवान हो रखी है, उसके लिए भी कोई रिश्ता ढूंढ। कितनी बार कहा है तुझे पिंकी जी ने, और अगर एक रिश्ता आया तूने वो इलायची को चिपका दिया। ऐसा दरोगा जी, क्या बक रहे हो, है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सेठ जी, पिंकी जी बकवास ना कर रही है, सच्चाई बोल रही है। ऐसा है कि इलायची का क्या भरोसा, पहले 4 साल लगा के उसने 11वीं पास की है, अब 12वीं में कितने साल लगाएगी कुछ बताया क्या? एक रिश्ता आया था वो मतलब कैसे चिपका सकता है ये इलायची के लिए? अरे तो फीस आप नहीं भर रहे हो दरोगा जी, मैं भर रहा हूँ, मैं बाप हूँ उसका। और अपने जो है ये ऊन के गोले और सलाइयों में ध्यान दो, बात कर रहा हूँ बेकार की। सेठ जी, पिंकी जी चुपचाप ना बैठने वाले, पिंकी जी छोड़ेंगे नहीं, बता रही है बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अबे तू कहाँ पीछे घुस रही है? गोले देख रही है ना। पिंकी जी जा रहे हैं पर छोड़ेंगे नहीं, देख लेना तू, चल यहाँ से। सेठ जी एक बात बताऊं, तुम्हें भी बहुत चुल्ले है, मतलब इस रसोई के क्या करना, तुम्हें क्या लेना देना, क्यों पीछे पड़े हो रसोई? अरे मैं क्या पीछे पड़ा? अरे उसे क्या, उसे क्यों वो लग गई मिर्च है? इलायची का रिश्ता आया है, मेरी बेटी का रिश्ता, वो अपनी साली की बात कर रहा है। छोटे अच्छा ना गियो तेरे आज रहने तू, आज रहने क्यों जी का कर रही तुम? अरे ठंड लग रही है मुझे। प्यारे सेठ जी। प्यारे, ये कोई लव लेटर नहीं है, शादी के लिए रिक्वेस्ट का लेटर है ये। जीजा जी क्या लिख रहे हैं आप? नहीं नहीं, आप सही कह रही हैं लाइची जी, आप आदरणीय सेठ जी। अरे यार जीजा जी, लेटर की शुरुआत ना कुछ धमाकेदार होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि कुछ इंटरेस्टिंग लिखा है लेटर में। जी अच्छा मैं बताता हूँ, लिख। अरे मुंह क्या देख रहा है, लिखना लिख। सेठ जी, आपकी दुकान के आगे जो ना टाइम बम रखा है, 5 मिनट में फट जाएगा, अगर इससे बचना चाहते हो तो अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दो, है ना धमाकेदार? पिंटू भाभी, आई मीन पिंटू जी, ये आइडियाज कहाँ से लेके आते हैं आप? हाँ अरे इलायची जी, ये तो अपना अपना टैलेंट है, लेकिन सच बता रहा हूँ सुनीता जी, मैंने जीवन में कभी भी घमंड ना किया इस पे। अरे यार ये सब छोड़ो, लिखिए कि सेठ जी लिखी है दो बातें पर चार समझना, इस चिट्ठी को चिट्ठी नहीं तार समझना, आपको इलायची की शादी करानी है ना 1 महीने में, यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है, मुझे तैयार समझना। ओहो वाह 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 वाह, क्या वाह वाह, शादी के लिए हाथ मांगने का लेटर है या फिर कोई मुशायरा बैठा रहा है यहाँ पर? हाँ जीजा जी देखो, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, मैं बताती हूँ क्या लिखना है, लिखो कि इलायची जी लाखों में एक है, आखिर उन जैसी लड़की आजकल मिलती ही कहाँ है, और हम भी अच्छे ही हैं, तो आप हमारी इलायची जी से शादी करवा दीजिए, और ये पिंटू जी का जो मैटर है हम बाद में आपको समझाते रहेंगे, ओके? ये लिख दीजिए। इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि हम हाथ मांग रहे हैं, कोई कुर्ता पजामा तो मांग नहीं रहे जो इतनी आसानी से मिल जाएगा। देखिए क्या क्या हमने एक चिट्ठी लिखी है, तो हम आप सब लोगों को सुनाते हैं, आप बताइएगा अगर आपको अच्छी लग रही है कि नहीं, ठीक है? तो सुनिएगा। आदरणीय सेठ जी, जैसा कि आप जानते हैं इलायची जी के साथ एडजस्ट करना सबके बस की बात नहीं है, दिमाग में बादाम के तेल की तरावट और दिल में अखरोट सी मजबूती चाहिए। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपके साथ काम करने का मौका मिला, और उसी दौरान हमने जाना कि जितना प्यार आप इलायची जी से करते हैं हम भी उतना ना सही पर उसके आसपास देने की कोशिश कर सकते हैं। शादी करना चाहते हैं इलायची जी से, और वो भी हमसे बहुत प्यार करती हैं, और
शादी करना चाहती हैं। हम जानते हैं आपको ये बात किसी सदमे से कम नहीं लगेगी, पर हम यकीन दिलाते हैं आप हमें एक मौका जरूर देंगे। आपका पंचम लिखिए ना। नहीं इलायची जी, नाम रहने देते हैं। क्या करते हैं, पहले सेठ जी को चिट्ठी देते हैं, उन्हें पढ़ने दीजिए, उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं, उसे समझते हैं, और अगर वो नहीं बढ़के तो बता देंगे कि चिट्ठी हमने लिखी है, और अगर वो बढ़के तो रहने ही देते हैं। क्या रहने देते हैं? डरपोक हो जी, डरपोक हो जी। अरे यार, किश्तों में हिम्मत आती है आपके अंदर, खुद दे आपसे।